और भयंकर भूले क्या थी? ये भूले थी कि हमने शिक्षा ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी और इतिहास को कम्युनिस्ट के हाथों दे दिया। हमने फिल्में जिहादियों के हाथों दे दी और इस देश को नेहरू गांधी परिवार के हाथ में दे दिया। ये चार भूले इतनी बड़ी थी कि हजारों वर्षों का हमारा गौरवशाली इतिहास किस तरह से सिस्टमेटिकली पिछले 70 सालों में मिटाया गया कि शिक्षा के माध्यम से पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया। मुगल भारतीय बन गए और भारतीय काफिर बन गए। अकबर सहिष्णु बन गया और छत्रपति महाराज शिवाजी फासिस्ट बन गए। अफगानी आक्रांताओं की औलादे कश्मीरी बन गई और कश्यप ऋषि की भूमि कश्मीर में जन्मे कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। भारत को लूटने वाले यूरोपियन देश अमीर बन गए और भारतीय गरीब बन गए। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए और देश के लिए लड़ने वाले, मातृभूमि के लिए लड़ने वाले वीर सावरकर क्रिमिनल बन गए। माओवादी बुद्धिजीवी बन गए और बुद्धिजीवी को भक्त का टाइटल दे दिया गया। टेररिस्ट एक्टिविस्ट बन गए और सेना हत्याचारी बन गई। कन्वर्जन सेक्युलर हो गया और रिकन्वर्जन कम्युनल हो गया। योगा साइंटिफिक हो गया और योगीज अनसाइंटिफिक हो गए। प्रोपोगंडा को सत्य बताया गया और झूठ को इतिहास में जगह मिल गई कि अकबर तो एक महान लीडर था। तुष्टिकरण की राजनीति को प्रोत्साहन मिला और सबका साथ सबका विकास फासीवादी हो गया। पत्रकार बिकाऊ हो गए और मेरे जैसे सत्य बताने वालों को हेट मॉन्गर्स कहा जाता है। जय श्री राम कंजर्वेटिव हो गया और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह लिबरल हो गया। तो फॉर द सेक ऑफ कंट्री एक्ट नाउ एंड लर्न टू बी अनअपोलोजेटिक। भारत माता की जय। वंदे मातरम।